प्लास्टिक बंदी के बावजूद शहर में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का पार्सल आ रहा है। आरपीओ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1000 किलोग्राम प्लास्टिक पार्सल हिरासत में लिया है, जिसकी जानकारी आरपीओ ने दी है। पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक बंदी के कई कानून सरकार ने बनाए हैं, बावजूद इसके प्लास्टिक कंपनियां प्लास्टिक निर्माण कर धड़ल्ले से आयात निर्यात करी है, पर प्लास्टिक को रोकथाम करने के लिए नागपुर मनपा ने भी कमर कस ली है। इसी के चलते मनपा के सतरंजीपुरा जोन और गांधीबाग जोन में 2 दिन पहले एक जानकारी मिलने के बाद सीधा आरपीएफ से संपर्क साधा गया और इस पुख्ता जानकारी की खबर पहुंचाई गई, जिसके बाद आरपीएफ पुलिस ने जाल बिछाकर रेलवे से आ रहे प्लास्टिक पार्सल को हिरासत में लिया है। हमें कुछ लोग जो है इधर के काफ़ी लोग, ये लोग हम लोग को ऐसी जानकारी देते हैं, तो यहाँ पे इतवारी रेलवे स्टेशन में काफ़ी दिनों से माल आ रहा था। हमको इसके पहले 2 दिन पहले सूचना मिली थी कि यहाँ से माल कंटिन्यू आ रहा है, तो हम लोगों ने इस माल के ऊपर सुबह 6 बजे से 2 बंदों को यहाँ बैठाल करके रखा हुआ था कि आप लोग पहले इसके बारे में पता करो करके। उन बंदों ने जब कंफर्म बता दिया कि यहाँ पे माल जो आ रहा है वो पूरा नॉन ऑन बैग्स है करके, उसके बाद ही हमने अपनी पार्टी सतरंजीपुरा और गांधीबाग झोल दोनों ने मिल करके आरपीएफ वालों के साथ में कार्रवाई की, जिससे माल पकड़ा गया। करीब 1000 किलो प्लास्टिक बरामद करने के बाद इसके मालिक तक रेलवे पुलिस और मनपा अधिकारियों ने पहुंचना चाहा, मगर संशयित नेहा प्लास्टिक और बालाजी प्लास्टिक के मालिकों ने इसको नकारा है। ऐसी खबर भी पुलिस की ओर से दी गई। ये पार्सल के ऑफिस के मुताबिक बुकिंग के एक दुर्ग से और कुछ राजनांदगांव से माल आए हैं और टोटल करीबन 1000 केजी के करीब है। जैसे एनएमसी वाले सवेरे आए थे कि ऐसा ऐसा माल यहाँ है जो महाराष्ट्र में लाव नहीं है, बोला ठीक है कार्रवाई करिए, मैं पूरा सहयोग करूँगा। इस चीज़ की तो जानकारी हमें नहीं है, पार्सल वाले बता पाएंगे, है ना। और ज़्यादा दिन मेरा भी यहाँ नहीं हुआ, 1 से 1.5 महीना हुआ है, तो वैसी अगर है तो हम प्रॉपर अब चेक करेंगे। और इसमें पार्सल बाबू के अनुसार एक बालाजी करके और एक नेहा प्लास्टिक का है ना, ऐसा बताया जा रहा है उनके द्वारा, उस नाम से बुक होके आया। वहाँ चेकिंग करना चाहिए था, और ये प्लास्टिक बैन है ये वाला, जैसे जानकारी में भी नहीं था। पार्सल बाबू बोल रहे हैं कि ये वाली बंद है, इनको जानकारी में भी नहीं था। रेलवे पुलिस के मुताबिक दुर्ग और राजनाथ गांव से ये प्लास्टिक पार्सल रेल से आया है। रेल पुलिस ने 2 दिनों की मशक्कत के बाद इस प्लास्टिक को बरामद किया है। संशयितों ने माल का जिम्मा नहीं उठाया, जिसके बाद पुलिस ने मनपा जोन अधिकारियों के साथ खोज को कड़ी कर दी है। रेल पुलिस ने ये भी कहा कि प्लास्टिक बंदी के खिलाफ पूरी सिस्टम एक साथ हो तो बंदी भी सही मायने में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज।